Hello everyone. Today in this video, we are going to discuss about the topic embedding of rings. क्या पढ़ना है हमने? Embedding of rings. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. What is the meaning of embedding of rings? Okay. So here definition is a ring R is said to be embedded in a ring S if there exists a monomorphism f from R to S. तो क्या पढ़ा हमने इस डेफिनेशन में? पहले तो जब भी हम एम्बेडिंग की बात करेंगे, हम टू रिंग्स की बात कर रहे होंगे. तो हमारे पास यहाँ पे टू रिंग्स हैं, रिंग R एंड रिंग S. ठीक है, हमें टू रिंग्स गिवन है लाइक दिस. सपोज दिस इज अ रिंग R एंड दिस इज अ रिंग S. ये रिंग R है और ये है रिंग S. तो हम कब बोलेंगे कि जो रिंग R है, दिस रिंग इज एम्बेडेड इन अ रिंग S, कब बोलोगे? अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है. कौन सी कंडीशन है? क्या पढ़ा है हमने? अ रिंग आर इज सेड टू बी एम्बेडेड इन अ रिंग एस इफ देयर एग्जिस्ट अ मोनोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम आर टू एस. तो हम ये कहते हैं कि अब हम बोलेंगे कि रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस अगर हमारे पास आर से लेकर एस तक एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है. एफ कहाँ से होनी चाहिए जी? मैपिंग आर टू एस, एस होनी चाहिए. आर से लेकर एस तक एक मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए जो क्या हो, मोनोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो. ये एफ क्या होना चाहिए हमारे पास? मोनोमॉर्फिज्म होना चाहिए. अब मोनोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म होता है होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन. तो अगर टू रिंग्स के बीच में एक ऐसी मैपिंग आप एग्जिस्ट करवा देते हो जो होमोमॉर्फिज्म यानी रिंग होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो और साथ ही साथ वो मैपिंग क्या हो, वन वन हो, तो हम बोल देंगे द रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस. ठीक है, एम्बेडिंग की वैसे हम दो डेफिनेशन करेंगे. ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो हमने डिस्कस किया, अगर टू रिंग्स के बीच में एक भी आप ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करवा देते हो जो मोनोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो. मोनोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म एंड वन वन. ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो फंक्शन, तो हम कह देते हैं रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस. ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड डेफिनेशन करेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम ही है एक तरह से, वो हम अभी डिस्कस करते हैं. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कैसे करते हैं. जैसे हम बोल रहे हैं ना कि रिंग आर इज सेट टू बी एम्बेडेड इन अ रिंग एस इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू एस विच इज मोनोमॉर्फिज्म. तो मोनोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले हमें इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है वो एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है. तो रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है. फर्स्ट कंडीशन होती है एफ ऑफ आर वन प्लस आर टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ आर वन प्लस एफ ऑफ आर टू के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल आर वन एंड आर टू बिलोंग्स टू रिंग आर. ये आर वन एंड आर टू कहाँ के एलिमेंट्स होंगे? रिंग के एलिमेंट्स होंगे. और सेकेंड कंडीशन होती है रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए एफ ऑफ आर वन इंटू आर टू, जो इसका आंसर है वो क्या आना चाहिए? एफ ऑफ आर वन इंटू एफ ऑफ आर टू फॉर ऑल आर वन आर टू बिलोंग्स टू रिंग आर. ठीक है, और वन वन के लिए हमें पता है किसी भी फंक्शन को वन वन कैसे चेक किया जाता है. ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म चेक करनी होगी और वन वन चेक करना होगा. अगर टू रिंग्स के बीच में आप मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करवा देते हो देन वी कैन से दैट द रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस. सिर्फ मोनोमॉर्फिज्म चाहिए, ये ध्यान रखना है. मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म एंड वन वन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी सेकेंड डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना या फिर थ्योरम डिस्कस करेंगे तो एम्बेडिंग के लिए हम सेकंड डेफिनेशन भी बीच में कई बार यूज कर रहे होते हैं, तो हमें दोनों ही डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. अब सेकंड डेफिनेशन में हमने लिखा इफ अ रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस देन देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग टी
ऑफ एस सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया आइसोमॉर्फिक, कहता कि अगर रिंग आर एम्बेडेड है रिंग एस में तो क्या होता है इस केस में, देन देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग टी ऑफ एस, हमारे पास एस का एक सब रिंग एग्जिस्ट करता है टी सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी। तो दोनों ही डेफिनेशन सेम है। देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं एक तरह से कि दिस इज रिंग आर एंड दिस इज रिंग एस, तुमने एम्बेडिंग यहाँ पे कैसे डिफाइन कर दी। हम कह रहे हैं कि अगर रिंग आर, इफ रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस, हम कब बोलेंगे कि रिंग आर जो है वो एम्बेड कर रहा है रिंग एस में, इफ देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग टी, कि अगर हमारे पास एस का एक सब रिंग एग्जिस्ट कर जाता है सब रिंग टी ऑफ एस सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी। अगर आर क्या हो, टी क्या आइसोमॉर्फिक हो। अब आइसोमॉर्फिज्म में हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, आइसोमॉर्फिज्म में तीन कंडीशंस होती हैं। एक होता है फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म, यानी रिंग होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए वो फंक्शन। सेकंड होता है वन वन होना चाहिए, और एक कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है विच इज ऑन टू। ठीक है, तो सबरिंग तक तो ऑन टू मैपिंग डिफाइन की जा सकती है ना। अगर सिंपल हम एम्बेडिंग की बात करें तो दो रिंग्स के बीच में एम्बेडिंग कब एग्जिस्ट करती है, आर इज सेड टू बी एम्बेडेड इन अ रिंग एस, अगर दो रिंग्स के बीच में सिर्फ मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही हो, यानी होमोमॉर्फिज्म एंड वन वन होना चाहिए। अब ऑन टू की तो यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं, लेकिन अगर एस का आप सब रिंग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो सब रिंग, तो वहां तक तो ऑन टू मैपिंग डिफाइन की जा सकती है ना। लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म में रिजल्ट होता है कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ रिंग आर टू अ रिंग एस, देन एफ ऑफ आर जो इमेज होती है ना रिंग की, ये हमेशा क्या बनती है, दिस विल बी सब रिंग ऑफ एस। तो एफ आर जो इमेज बनेगी ना इसकी, एफ आर होमोमॉर्फिक इमेज, ये सब रिंग होता है एस की। तो टी को अगर हम एफ आर ले लें तो इट मीन्स ये रिंग के एलिमेंट्स यहाँ पे मैप हो रहे होंगे सबके सब। ये एफ आर है ना, मतलब ये इमेजेस हैं सबके सब जो एफ आर में पड़ी होंगी, यानी टी में सबके सब इमेजेस पड़ी हैं। ठीक है, तो हम ये तो कह सकते हैं ना आर से टी तक ऑन टू मैपिंग है। अगर ये एम्बेडिंग भी है, इफ रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास हमेशा एस का एक सब रिंग एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी ये वाला एफ आर सब रिंग एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट कि आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी, आर इज आइसोमॉर्फिक टू दैट सब रिंग टी। आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन कहाँ से है, क्योंकि वन वन और होमोमॉर्फिज्म तो हमें चाहिए थी, अगर इम्बेडिंग है इम्बेडिंग के लिए होमोमॉर्फिज्म एंड वन वन तो चाहिए ही। लेकिन अगर यहाँ पे आपने सब रिंग ही चूज कर ली है एफ आर, मान लो ये एफ आर है इमेज इमेजेस की हेल्प से जो रिंग बन रही है हमारे पास सब रिंग, ठीक है, तो यहाँ तक तो ऑन टू मैपिंग भी हो जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना। तो इसकी दो डेफिनेशन है। अगर आपने इम्बेडिंग दिखानी हो रिंग आर के इन अ रिंग एस, तो या तो आप ये दिखा दो दोनों रिंग्स के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है जो मोनोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर ये प्रूव कर दो कि जो सेकंड रिंग है एस, कि एस का हमारे पास एक सब रिंग एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू दैट सब रिंग, तब भी हम बोल देते हैं द रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस। उस केस में अगर आप सब रिंग की हेल्प से एम्बेडिंग प्रूव करना चाहते हो तो उस केस में आइसोमॉर्फिज्म दिखानी पड़ेगी, यानी ऑन टू की कंडीशन भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यानी हम ये कह सकते हैं रिंग आर इज सेड टू बी एम्बेडेड इन अ रिंग एस इफ देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग टी ऑफ एस सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी। तो दोनों ही डेफिनेशन का यूज करके हम एम्बेडिंग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि टू रिंग्स को अगर आपने एम्बेडिंग, टू रिंग्स के बीच में अगर हमने एम्बेडिंग प्रूव करनी है दैट इज आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस, या तो आप उन दोनों के बीच में रिंग्स के बीच में एक ऐसा फंक्शन दिखा दो जो मोनोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस इफ देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग टी ऑफ एस,
कि एस का सब रिंग एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी। ठीक है, तो ये दोनों ही डेफिनेशन हम एम्बेडिंग के लिए यूज करेंगे। एम्बेडिंग की एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं एम्बेडिंग ऑफ रिंग्स की। द रिंग जेड यानी रिंग ऑफ इंटीजर्स, द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एम्बेडेड इन रिंग ऑफ रैशनल्स दैट इज, हम ये कह सकते हैं रिंग ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज एम्बेडेड इन क्यू, बिकॉज रिंग ऑफ रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है जेड इज एम्बेडेड इन द रिंग क्यू। तो हम कब कहते हैं कि रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस, अगर हम दो रिंग्स के बीच में एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करते हैं जो मोनोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इसका जो प्रूफ होगा वो कैसे करेंगे हम, सो डिफाइन अ मैप, डिफाइन अ मैप एफ फ्रॉम जेड टू क्यू बाय, कैसे डिफाइन करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए अपॉन वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर हम प्रूव कर दें ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये मोनोमॉर्फिज्म है, तो ये प्रूव हो जाएगा जेड द रिंग जेड इज एम्बेडेड इन अ रिंग क्यू। ठीक है, तो हम फर्स्ट डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सो पहले हम होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन चेक करते हैं, क्या एफ होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये चेक करना है हमने। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या लेते हैं, जेड के आप टू एलिमेंट्स लोगे, लेट ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू जेड बी, यानी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ रिंग जेड। नाउ कंसिडर एफ ऑफ ए वन प्लस ए टू, ए वन एंड ए टू अगर इंटीजर्स हैं तो ए वन प्लस ए टू भी इंटीजर ही होगा, यानी ये भी जेड का ही एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, ए वन प्लस ए टू पे हम एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी हम जेड के एलिमेंट पे एफ अप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा आता है, ए वन प्लस ए टू अपॉन वन। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन वन प्लस ए टू अपॉन वन, एंड ए अपॉन वन को अगर हम एफ ए लिख रहे हैं तो ए वन अपॉन वन को आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए वन लिखेंगे ना, एंड ए टू अपॉन वन को हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए टू। तो होमोमॉर्फिज्म की जो फर्स्ट कंडीशन होती है एफ ऑफ ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वन प्लस एफ ऑफ ए टू, ये तो प्रूव हो चुकी है। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं एफ ऑफ, इसमें क्या करना होता है, हमने प्रोडक्ट लेना होता है, अगर ए वन ए टू इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी तो इंटीजर ही होगा, तो ए वन ए टू भी यहाँ पे पड़ा है जेड में, तो हम एफ उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाई डेफिनेशन ऑफ एफ जैसे हमने डिफाइन किया है, ये कैसे डिफाइन किया है, ए वन ए टू अपॉन वन आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन वन इन टू ए टू अपॉन वन। ठीक है, तो ए वन अपॉन वन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए वन इन टू ए टू अपॉन वन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए टू। तो होमोमॉर्फिज्म की दोनों ही कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ को होमोमॉर्फिज्म तो हमने प्रूव कर दिया, अगर हम वन वन भी प्रूव कर देते हैं तो ये मोनोमॉर्फिज्म बन जाएगा ना। तो अब चेक करते हैं सेकंड कंडीशन, क्या एफ वन वन है, वन वन के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू। इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं और हमने एलिमेंट्स को इक्वल दिखाना होता है। तो हमने जेड के टू एलिमेंट्स लिए ए वन एंड ए टू, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ जेड सच दैट, कैसे एलिमेंट्स हैं कि
कि जब आप A1 पे F अप्लाई करते हो एंड A2 पे F अप्लाई करते हो आंसर इक्वल आ रहा है, तो हमें प्रूव करना है 1-1 के लिए कि A1 A2 भी दोनों इक्वल ही होंगे। सो F ऑफ A1 हमने क्या डिफाइन किया है, A1 अपॉन 1। F ऑफ A2 हमने कैसे डिफाइन किया है, A2 अपॉन 1। तो यहाँ से तो प्रूव हो ही गया A1 इज इक्वल टू A2। तो अगर टू एलिमेंट्स के इमेजेस इक्वल आ रही हैं तो वो एलिमेंट्स ही इक्वल होंगे, दिस इम्प्लाइज F इज 1-1। तो F होमोमॉर्फिज्म भी है, F 1-1 भी है, तो F क्या बन गया, F इज मोनोमॉर्फिज्म। तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है Z एंड Q के बीच में, ये एक ऐसा फंक्शन है जो मोनोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म यानी 1-1 एंड होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो बाय दिस डेफिनेशन हम कह सकते हैं द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एम्बेडेड इन द रिंग ऑफ रैशनल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों ही डेफिनेशंस हम यूज़ कर सकते हैं एम्बेडिंग प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने दिखाना है रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस, तो हमें क्या दिखाना होगा, वो दोनों रिंग्स के बीच में आपको मोनोमॉर्फिज्म, एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करवाना होगा जो मोनोमॉर्फिज्म हो, यानी होमोमॉर्फिज्म एंड 1-1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। या फिर अगर टू रिंग्स हैं आर एंड एस, तो हम बोल सकते हैं द रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस इफ देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग टी ऑफ एस सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी। यानी हमने वो रिंग आर से अगर आप वो सब रिंग तक एक आइसोमॉर्फिज्म यानी एक मैपिंग ऐसी डिफाइन कर देते हो जो 1-1 होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इस केस में भी हम क्या कह सकते हैं, द रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस। ठीक है, तो आगे जो हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे उनमें एम्बेडिंग प्रूव करने के लिए हम दोनों ही डेफिनेशंस का यूज करेंगे, तो आपको दोनों ही डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट थ्योरम अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।